हाय फ्रेंड्स, ब्लेफराइटिस आँखों का डैंड्रफ क्या होता है इस वीडियो में हम बात करें। हमारे पास ओपीडी में काफ़ी पेशेंट्स डिफरेंट एज ग्रुप के आते हैं जिनकी कंप्लेन होती है कि आँखों के अंदर सफ़ेद सफ़ेद उनकी पलकों पे जम जाता है। इस कारण से उनको आँखों में बर्निंग, इचिंग, रेडनेस, नज़र की दिक्कत आती है। और ऐसे मरीजों के अंदर हमने देखा है कि एसोसिएटेड प्रॉब्लम जो रहती है बहुत बार डैंड्रफ होना सर पे साथ में, या फिर कोई स्किन की कंडीशन जैसे रोजेशिया या सिबरोइक डर्मेटाइटिस, इस तरह की बीमारियों से, सिस्टेमिक बीमारियों से भी पीड़ित रहते हैं। तो इस बीमारी को हम कहते हैं आँखों के डैंड्रफ को ब्लेफराइटिस, जिसके अंदर आँखों की पलकों पर सफ़ेद सफ़ेद जम जाता है और वो उस कारण लंबे समय में आपकी आँखों की पलकें टूट जाती है, आई लैशेज लॉस होते हैं और आँखों में स्वेलिंग भी रहती है। ये वेदर के कारण भी आपको बहुत बार होता है, चेंज ऑफ वेदर या सीजनल भी होता है। इसके अंदर जो मेजर रीज़न रहते हैं, इधर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो आपकी आँख की पलकों का, या आपकी आँखों में कुछ ग्लैंड्स होती है उनका ब्लॉकेज हो, या फिर कोई सिस्टमिक कंडीशन जैसे मैंने बताया सिबेरोइक डर्मेटाइटिस या रोजेशिया, उन पेशेंट्स के अंदर ये कॉमन है। ऐसे पेशेंट्स को ये इंपॉर्टेंट है कि अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, आइज़ को रब नहीं करें ज़्यादा, क्योंकि रबिंग के कारण और अगर रूट कॉज को ट्रीट नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वो लैशेज टूटते रहेंगे और आँखों में ड्राई आई लंबे समय में हो जाएगा। तो इसके लिए जो हम हमारे पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देते हैं, सबसे पहले हम उनको कहते हैं कि आप अपना एक तो सर पे शैम्पू रेगुलर करें, एंटी डेंड्रफ वंस अ वीक और ट्वाइस अ वीक अगर आपको तकलीफ आँखों में ज़्यादा है। दूसरा, आपको आँखों में जो तकलीफ़ है इसके ट्रीटमेंट के लिए हम उनको कुछ क्लिंजर्स देते हैं, जैसे कि जाइडस का भी आता है क्लिंजर करके, उसमें स्पेसिफिक सोप होते हैं डाइल्यूटेड फॉर्म में जो इन लैशेस को क्लीन रखते हैं और बैक्टीरिया को भी मारते हैं। कभी कभी हम उनमें एडॉन आपको कुछ एंटीबायोटिक स्टीरॉयड कॉम्बिनेशन और लुब्रिकेंट्स भी देते हैं ताकि वो इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन ख़त्म हो और जो ड्राई आई कंपोनेंट है वो भी प्रॉपरली ट्रीट हो पाए। तो आई थिंक आपको इस वीडियो से ब्लेफराइटिस या आँखों के डेंड्रफ के बारे में एक ब्रीफ समझ में आया होगा। आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज़ मैसेज कीजिएगा, आपका आंसर दूंगा मैं। और डेफिनेटली इस चीज़ को लाइटली ना लें क्योंकि लंबे समय में ये ड्राई आई में कन्वर्ट हो सकता है। थैंक यू।